आई एम इन BHU राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू रामनगर फोर्ट. अच्छी बात ये है कि BHU से रामनगर फोर्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से बहुत कम समय लगेगा. एंड आई एम जस्ट ऑन द वे. ये गंगा जी को पार करके जाना होता है, तो देर इज़ अ रामनगर ब्रिज, उसको क्रॉस करके देन विल रीच द रामनगर फोर्ट. सो या लेट्स गो. से होते हुए ब्यूटीफुल गंगा व्यू देखते हुए क्रॉसिंग द रामनगर ब्रिज. एंड आई हैव रीच्ड द रामनगर फोर्ट. लेट्स गो इनसाइड. फोर्ट में आ चुकी हूँ और यहाँ आप जैसे अंदर घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको टिकट काउंटर दिखेगा. इंडियंस के लिए जो टिकट प्राइस है इज़ 80 रुपीज़, और अगर आप सुरक्षा कर्मी हैं या मतलब स्टूडेंट्स हैं 10th के नीचे तो उनके टिकट्स का प्राइस है 20 रुपीज़. सो ये टिकट लेकर एंड आई हैव कम इनसाइड. जस्ट लुक एट दिस फोर्ट एंड अतोप. तुलसी घाट के ऑपोजिट स्थित रामनगर फोर्ट को काशी के महाराज बलवंत सिंह जी ने साल 1750 में बनवाया था. इस डिटेल्ड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया था और रामनगर के प्रेजेंट राजा महाराज ऑफ बनारस अनंत नारायण सिंह जी आज भी यहीं रहते हैं. जस्ट लुक एट दिस. ये सब देखकर वहाँ पे वो देखिए टिकट का है एंड उसके ठीक बगल में जो है वो एंट्री पॉइंट है, तो वहाँ से एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं. ये एक फाउंटेन है जो अभी चल तो नहीं रहा, चलता ही होगा, तो ये एक फाउंटेन है. दिस इज़ द फोर्ट. वेरी वेरी लाइक यू नो ह्यूज फोर्ट. सो कूड़ेदान एंड म्यूजियम है अंदर. सो लेट्स गो इनसाइड. अंदर एक पूरा म्यूजियम बनाया है उन्होंने. अंदर म्यूजियम में सबसे पहले जाते ही बहुत सारे तरह की बग्घियाँ, बहुत सारे तरह की पालकी जिस पे ट्रैवल करते थे, आपने देखा होगा जो भी 18th-19th century की व्हीकल्स होते थे, फोर व्हीलर्स होते थे जिस पे कि आपने बहुत सारे ब्रिटिशर्स के ज़माने का देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि वो किन चीज़ों में ट्रैवल करते थे. तो उन वैसे एकदम पुरानी पुरानी भी चीज़ें हैं, पालकियाँ भी हैं, विंटेज कार्स भी हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो जो जहाँ पे राजा बैठा करते थे वहाँ पे वो किन चीज़ों पर, जो थ्रोन्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं उस टाइप की चीज़ें थी. हौदा वगैरह था हाथी के दांत से बना हुआ, अलग अलग नक्काशियाँ थी उसमें, अलग अलग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पालकी, डिफरेंट डिफरेंट बैठने की चीज़ें जहाँ पे आप वो गद्दे डाल के जो बैठते हैं वो सारी चीज़ें थी. देन जब हम आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग कपड़े, अलग अलग टाइप की साड़ियाँ, ब्रोकेट की, अलग अलग टाइप के पोशाक, बच्चों के, बड़ों के लड़ाई के समय जो पोशाक पहने जाते थे, जो अंगवस्त्र पहने जाते थे, साड़ियाँ पहनी जाती थी, वो सारी चीज़ें हैं अंदर. फिर उसके बाद बहुत ही बड़े बड़े भाले, कितना स्ट्रेंथ था पहले के लोगों में कि वो
इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे और दैट सो यू नो दे वर सो पावरफुल कि इतने बड़े बड़े भाले जो हैं वो कैसे मैनेज करते थे और उससे लड़ाइयाँ करते थे. तो बहुत सारे भाले हैं. देन देर इज़ अ सेक्शन विच इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू गन्स. लाइक देर सो मैनी गन्स. अपने 18th सेंचुरी की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर. चाकू, मतलब इतने तरह के चाकू, खंजर, कुल्हाड़ी, तलवार जिसमें कि नक्काशियाँ की हुई हैं, मतलब बहुत इंट्रिकेट, किसी में पेंटिंग्स हैं, किसी में हाथी के दांत की नक्काशी की हुई है, तो कोई गिफ्टेड है. बड़े बड़े तलवार के साथ एक वो जो होता है बहुत बड़ा, यू नो उसको तो तलवार भी नहीं कहेंगे, आपने महिषासुर के हाथ में देखा होगा. इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं. अलग अलग तरह के तीर धनुष, जापानी तलवार, बर्मा के हथियार, शेर पकड़ने का एकदम अलग सा यंत्र. दशहरा में जो महाराज विभूति नारायण सिंह जी ने जो यूज़ किए हैं तलवार और जो डैगर्स, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं तलवारों के ऊपर. बहुत ही सुंदर नक्काशी, अलग अलग टाइप के गन्स, कुछ गन्स जो सिंपली मेड फ्रॉम रॉक्स, कोई 1 बैरल, 2 बैरल, 4 बैरल, ऐसे करके बहुत सारे गन्स थे. किले में प्रयोग किए जाने के लिए लंबी लंबी बंदूकें थी, ऑस्ट्रेलियन बंदूकें थी. कुछ ऐसे सिक्के थे जिनको कि महाराज प्रभु नारायण जी जो है वो उछालते थे हवा में और एक बंदूक से उसमें, मतलब प्रैक्टिस करते थे उसमें मार के. तो वो सिक्के हैं जिसमें कि छेद हैं और वो बंदूक भी रखी है साथ में. जब वो लोग लड़ाई पे जाते थे तो वो जो एक पूरा कवच होता है, वो सारी चीज़ें, लाइक एवरी थिंग वॉज देयर, लाइक सो मैनी वेराइटीज ऑफ तलवार एंड छुरा एंड डैगर्स एंड खंजर, पिस्टल्स, अलग अलग टाइप के बंदूक और मतलब सो मैनी टाइप्स ऑफ वेपन्स. हाथी के दांत से बनाए हुए अलग अलग चीज़ें रखी थी. देन गोल्ड और हाथी के दांत से बनाई हुई एक दो चादरें थी अंदर. इट वॉज लाइक अ बिग पोर्ट्रेट ऑफ द महाराज. एंड उसके सामने, उसके ठीक नीचे, देयर वॉज सच अ बिग मिरर, वेरी वेरी लाइक अ ग्रैंड मिरर कहते हैं ना, कि जो कि सच में वो लोग यूज़ करते होंगे. इट वॉज लाइक दैट. सो ऑल ऑफ दैट वॉज देयर. एंड इन वन सेक्शन देयर वॉज सो मैनी क्लॉक्स. तो एक तो बहुत ही बड़ी घड़ी थी, बाकी सारी घड़ियाँ बहुत सारे छोटे बड़े घड़ियाँ थी, लेकिन एक घड़ी तो बहुत ही बड़ी थी. और एक घड़ी थी जो कि वॉज मेड इन बनारस और इट वॉज अ स्पेशल टाइप की घड़ी जो कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम के साथ दिन और कौन सा महीना है, दिन डे, मतलब डेट, ईयर, टाइम, एवरी थिंग इट विल टेल यू. एंड आफ्टर दैट मून के पोजिशंस, किस जोडियाक में सन एंटर कर रहा है, ये सारी चीज़ें, दैट बिग इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ थिंग वॉज देयर, जिसमें कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी. इट वॉज लाइक एन एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक काइंड ऑफ थिंग. सो या ऑल दीज थिंग्स वर देयर. देयर वर लाइक वेरी डिटेल्ड पेंटिंग्स, वेरी डिटेल्ड थिंग्स, एंड आई लव्ड इट. ये महल से निकल कर इन सीढ़ियों से होकर गंगा तट की तरफ. देखिए ये आप देख सकते हैं महल का जो एक साइड है बिल्कुल गंगा माँ के किनारे पर है. ये महल बिल्कुल तट पर शिवलिंग है और मंदिर बनाया है और ताकि अच्छे से पूजा अर्चना हो सके. यहाँ का सबसे ब्राइट और बेस्ट समय है दशहरा का, जब यहाँ एक महीने की रामलीला होती है. कहा जाता है कि ये रामलीला 200 साल से भी अधिक समय से की जा रही है, जिसको देखने महाराज भी आते हैं.
जो राज परिवार वाले होते थे वो उधर से उतरकर यहाँ आकर तुलसी माँ की पूजा करके यहाँ पर एंड देन इस वाले मंदिर में ऊपर के साइड जाते थे। ये रही गंगा नदी, नाइसली मेड। और वो देखिए, दैट इज़ अ न्यूली बिल्ट रामनगर ब्रिज। पहले जो जिनको भी इधर आना होता था वो बोट के थ्रू इधर से इधर आते थे, लेकिन अभी देखिए ये ब्रिज बन गया है, तो थिंग्स हैव बीन यू नो बेटर इजियर। आप म्यूज़ियम में घुसेंगे तो वो पूरे के पूरे महल का एक गोल चक्कर हो जाएगा, और वो गोल चक्कर करके फिर आप इधर से निकलकर फिर आप यहाँ पे गंगा माँ के दर्शन भी कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। कितना ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली मेड है ये पूरा पैलेस, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा रामनगर पैलेस। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड अगर आपको पुरानी चीज़ें देखनी हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। सबसे पहले वहाँ से अंदर घुसते हैं महल के, देन उधर से टिकट लेते हैं, फिर वहाँ पे एंट्री करके ये पूरा महल अंदर 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 घूमकर, म्यूज़ियम वगैरह सब कुछ गोल गोल घूमकर फिर आप इधर से एग्ज़िट करेंगे। तो सिर्फ इसी एरिया में, और जिधर गंगा घाट है उस एरिया में सिर्फ फोटोग्राफी अलाउड है। इस एरिया में आने के लिए भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। लेकिन आपको उधर एंटर करने के लिए, मतलब कि म्यूज़ियम में जाने के लिए, अंदर पूरा घूमने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए 80 रुपीज़ लगेंगे। सो दिस इज़ इट। एस्थेटिकली प्लीजिंग और ग्रैंड फोर्ट होने की वजह से यहाँ फिल्म वेब सीरीज की शूटिंग भी होती है। आई वॉन्ट कि इस पैलेस को और अच्छे से मेंटेन किया जाए, ताकि ये एक आउटस्टैंडिंग पैलेस की तरह दिखे। म्यूजियम ओपन्स एट 10 AM, 6 बजे शाम में बंद हो जाता है। 10 AM टू 6 PM इज द टाइमिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, सीइंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, यू नो कैसे क्या होता था, बहुत ही डिटेल में है सब कुछ अंदर में, देन यू कैन कम हियर फॉर श्योर।